हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस R7। आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट। हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है 30 सेकंड्स के लिए और 10 सेकंड रेस्ट करना है। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले वार्म अप है ज़रूरी, तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। लेट्स स्टार्ट वार्म अप। वार्म अप में हम करेंगे स्पॉट जंप 30 सेकंड्स के लिए और 30 सेकंड्स हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप स्पॉट जंप करते रहें, कंटिन्यू करते रहें 30 सेकंड्स। थकना नहीं है, बस एक्सरसाइज करते रहें। 5 सेकंड और, इसके बाद हम एक्सरसाइज चेंज करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी 30 सेकंड के लिए परफॉर्म करें। करते जाएं, रुकना नहीं है। फ्रेंड्स, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, थकना मना है, करते रहें एक्सरसाइज कंटिन्यू। बस 10 सेकंड और, इसके बाद में 10 सेकंड का रेस्ट करना है और उसके बाद में शुरू करना है हमारा वर्कआउट। ड्यूरिंग रेस्ट टाइम, ये 10 सेकंड में आपको बैठ के आराम नहीं करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल टाइम ना लगाएं, अपनी एक्सरसाइज की तैयारी में लग जाएं और अपना नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसे शुरू कर दें। यहाँ हम परफॉर्म कर रहे हैं पुशअप, ये हम करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। फ्रेंड्स, पुशअप बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप कितना भी वेट उठा लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन पुशअप से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ करते जाएं, थकना नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बैक एक्सटेंशन। इसे परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे टॉवल। टॉवल को अपने पास रखें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बैक एक्सटेंशन हमें परफॉर्म करना है 30 सेकंड्स के लिए। एक्सरसाइज में अपनी बॉडी को बिल्कुल भी स्क्वीज करके रखें, अपने ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को बिल्कुल स्क्वीज टाइट करके रखें और टॉवल को इस तरह से पुल करें जैसे कि हम पुलअप्स में हमारा बॉडी वेट पुल करते हैं। ये एक्सरसाइज पुलअप्स के जैसी ही है। बस 5 सेकंड और, करते रहें कंटिन्यू। अब हम 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे, लेकिन 10 सेकंड रेस्ट में हमें अपने आप को अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार भी करना है। हमारी अगली एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। डायमंड पुशअप का बेनिफिट आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि ये हमारे ट्राइसेप मसल्स को हिट करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है, आप बिगिनर्स हो, तो आप नी सपोर्ट लें और डायमंड पुशअप को परफॉर्म करें। बस 5 सेकंड और, कंटिन्यू करते रहें। इसके बाद हम करेंगे 10 सेकंड का रेस्ट, लेकिन रेस्ट टाइम में हम अपने आप को अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार करेंगे। हमें इसके बाद परफॉर्म करना है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए हमारा जो फीट है वो शोल्डर विथ स्टेंस हो। अपने टो को, मीन्स अपने पैर के पंजे को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें। स्क्वाट्स करते टाइम आपको अपने बैक आर्च करके रखनी है, अपने लंबार कर्व को मेंटेन रखना है, अपने चेस्ट को आप थोड़ा सा उठा के रखें और कंटिन्यूसली सेम फॉर्म में परफॉर्म करते रहें। बस लास्ट 5 सेकंड और, कंटिन्यू परफॉर्म करते रहें। इसके बाद में हम करेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। इसके बाद की हमारी एक्सरसाइज है काफ रेजेस। हम अपने आप को बिल्कुल भी रेडी कर लेंगे। हमारी काफ मसल्स को हम अपनी हर एज में यूज़ करते हैं, चाहे हमारा बचपन हो या जवानी। आप नोट करेंगे तो हम हर मोमेंट पे हमारी काफ मसल्स को यूज़ करते हैं, चाहे चलना हो चाहे दौड़ना हो, तो ज़रूर इस मसल्स को मजबूत बनाएं। बस 10 सेकंड और, कंटिन्यू करते रहें। सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करें, कंटिन्यू करते रहें। इसके बाद हम करेंगे 10 सेकंड का रेस्ट, लेकिन ड्यूरिंग रेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें रेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी अगली एक्सरसाइज की तैयारी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है क्रंचेस। इस एक्सरसाइज में आप अपने एब्स मसल्स को टारगेट कर रहे हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अपने
पैर को उठा रखा है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता हो तो आप अपने पैर को फ्लोर पर टच करके परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है, 30 सेकंड परफॉर्म ज़रूर करें। बस 3 सेकंड और, इसके बाद में हम करेंगे 10 सेकंड का रेस्ट, लेकिन रेस्ट टाइम में हमें करना है अपनी अगली एक्सरसाइज की तैयारी। टाइम बिल्कुल ना लगाएं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएं। अब हम करेंगे प्लैंक्स। यूजुअली प्लैंक से हमारी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट हमारी ओवरऑल मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को आप अपनी डेली रूटीन में रखें। डेली आप अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद में इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए परफॉर्म करें। बस 5 सेकंड और कंटिन्यूसली अपने आप को होल्ड करके रखें। हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले 10 सेकंड का रेस्ट करेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अगली एक्सरसाइज के लिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बर्पीज। ये है हमारे फुल बॉडी वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज। हमें 2 राउंड्स और परफॉर्म करने हैं, लेकिन ये राउंड कंप्लीट करने के बाद में हम करेंगे 2 मिनट्स का रेस्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को उनके साथ जिन्हें आप फिट देखना चाहते हो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।